रेवाड़ी शहर का विकास और सौंदर्यकरण करने के लिए रेवाड़ी नगर परिषद की ओर से विभिन्न कार्य कराए जा रहे हैं। नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव ने कहा कि रेवाड़ी शहर के बाजार में पहली बार पानी की निकासी के लिए नाले बनवाए जा रहे हैं और बाजार में डिवाइडर लगवाकर सुल्तान लाइट्स लगाई जाएगी। आपको बता दें कि आज से ठीक एक वर्ष पहले पूनम यादव ने नगर परिषद रेवाड़ी के चेयरपर्सन पद के लिए शपथ ग्रहण की थी। आज एक वर्ष बाद उन्होंने नगर परिषद द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वो बीजेपी पार्टी द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। चेयरपर्सन पूनम यादव ने कहा कि जो ट्रैफिक लाइट्स वर्षों से बंद पड़ी थी उन्हें उन्होंने चालू करवाया है। इसी तरह से पहली बार शहर में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और इसी तरह से अतिक्रमण के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के चालान करने के साथ साथ उनके सामान भी जब्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेसहारा जानवरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए कार्य भी किया जा रहा है और आवारा कुत्तों की नसबंदी भी की जा रही है। चेयरपर्सन पूनम यादव ने कहा कि एक वर्ष में 98 विकास कार्यों के लिए टेंडर लगाए गए, 54 विकास कार्यों का काम पूरा हो चुका है जबकि बाकी विकास कार्यों का काम जल्द पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के एंट्री पॉइंट पर स्वागत गेट बनाए जाएंगे और जिला सचिवालय के पीछे नगर परिषद का भवन का निर्माण कराया जाएगा। नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव के एक वर्ष के कार्यकाल पर आप क्या सोचते हैं? कितना काम रेवाड़ी शहर में हुआ है? आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहले तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करती हूं और अपने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का धन्यवाद करती हूं जिनकी वजह से मुझे टिकट मिली और मुझे आज ये मौका मिला चेयरपर्सन बनने का, और शहर की जनता का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने आज मुझे चेयरपर्सन बनाया ताकि मैं अपने शहर के लिए कुछ काम कर सकूं, और अपने अधिकारियों का और अपने पार्षद साथियों का भी धन्यवाद करती हूं जिनके साथ मिलकर साथ चलकर आज मैं ये काम कर रही हूं और उनके सहयोग से काम हो रहा है सभी के, तो उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना कर रही हूं और तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त। और रेवाड़ी शहर में विकास कार्य आप पहले जानते ही हैं, सबको पता ही है कि कितने विकास कार्य पहले रेवाड़ी शहर में हुए हैं और आज कैसे हो रहे हैं। तो जैसे हमारे कार्यकाल में हमने 96 विकास कार्य के टेंडर लगाए हुए हैं जिसमें से 54 जो विकास कार्य हो गए हैं और कुछ हमारे प्रगति पर हैं, बाकी चल रहे हैं। उसके लिए जैसे कि अभी हमने आवारा पशुओं के लिए भी टेंडर लगाए हैं और उनका वर्क ऑर्डर दे दिया है और वो काम चल रहा है। आवारा कुत्ते वगैरह हैं उनकी भी नसबंदी वगैरह करा के वो भी किए हैं। रामसिंहपुरा में जैसे 60 टन कूड़े का भी हमने ख़त्म किया है और ट्रैफिक लाइट है उसको भी सुचारू किया गया है। आप देख रहे हैं आजकल जो इतने वर्षों से बंद पड़ी थी ट्रैफिक लाइट, और सभी वार्डों में भी रोडों का निर्माण कार्य चल रहा है। और उसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था उसके लिए भी वर्क ऑर्डर दे दिया गया है आज, तो वो भी अब समस्या दूर होगी। जैसे लोगों को जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी करते थे तो भीड़ भाड़ की समस्या बनी रहती थी, और अतिक्रमण को लेके भी हमारा चल रहा है अभियान और वो तो हमेशा चलता ही रहेगा जब तक अतिक्रमण ख़त्म नहीं होगा। किसी को भी नगर परिषद की ज़मीन पर अवैध कब्जा हो या अतिक्रमण हो किसी को नहीं किया जाएगा, करने दिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी होगी। और अतिक्रमण करके जो भी सामान वगैरह जो लोग नहीं मान रहे हैं जैसे भी, तो उसका भी सामान आगे से मतलब जब्ती कर लिया जाएगा, उसको मतलब किसी चालान से या किसी छूट के मतलब वापस से नहीं दिया जाएगा क्योंकि तभी इसका कुछ ना कुछ समाधान होगा। नहीं, हमारा तो मैनिफेस्टो में भी यही है कि हमें अतिक्रमण को दूर भगाना है, करना है बिल्कुल जड़ से। तो ऐसा कुछ नहीं है, कई लोग आगे हमारी राजनीति ख़राब ना हो जाए या वोटों का कोई चक्कर रहता है इस वजह से मतलब नहीं स्टेप उठा पाते, लेकिन हमारा तो यही है कि अतिक्रमण को जड़ से ही भगाना है। तो मुझे इस चीज़ का नहीं है कि आज मैं सीट पे हूँ कल क्या, आने वाले वक्त में क्या होगा, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं है। अगर मैं अच्छा काम करूँगी तो रेवाड़ी जनता को भी पता लगेगा कि अच्छा काम हो रहा है, तो इस चीज़ की तो मुझे 1% भी वो नहीं है। तो मैं अच्छा काम करने
करने के उससे बैठी हूँ कि जो मैं आज प्रेजेंट में जीती हूँ कि मैं अगर आज मैं बनी हूँ तो अच्छे से अच्छा काम कर पाऊँ। क्योंकि लाखों रुपया सरकार का पानी में बह गया, लेकिन ये इस बार में प्रयास किया जा रहा है, क्या वो सफल होगा, रंग लाएगा? बिल्कुल सफल होगा, बिल्कुल रंग लाएगा। अभी जो भी हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से 100% अच्छी तरह एफर्ट्स कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में भी हमने नाला फुटपाथ का कार्य स्टार्ट किया हुआ है। इसके जो अभी इतने सालों तक, जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी के बाद फर्स्ट बार शायद मेरे ख्याल में नाला फुटपाथ का जो मेन बाज़ार में काम चल रहा है वो किया जा रहा है। और उसके बाद हम बीच में भी नाले फुटपाथ के अलावा बीच में भी 2-4 दिन में ही सुल्तान लाइट भी लगाई जाएंगी, डिवाइडर भी बनेगा। और भी हमारी योजनाएं हैं कि जैसे कि सचिवालय ये पीछे कोर्ट के पीछे अपना नगर परिषद का ऑफिस और मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का भी है। इस तरह की योजनाएं भी हमने बहुत सारी तैयार कर रखी हैं। और क्या कहते हैं कि जैसे कि अपने शहर के मुख्य द्वारों पे तो बड़े नगर परिषद को वेलकम स्वागत करती है, इस तरह के गेट भी बनाने का विचार कर रहे हैं, वो भी बनाए जाएंगे। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। एक निगम बनाने की बात की जा रही थी मैडम, उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल बनाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी के सभी सपनों को भी साकार करेंगे कि हम चाहते हैं कि वो हमारा सब साथ दें। और तो बहुत जल्दी निगम भी बनाएंगे रिवाड़ी को।